नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल आदाब। मैं अगेन शुरू करने जा रहा हूँ पार्ट टू। अब यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। मैं यस पेन ले रखा है। तो आपके देखिए ये कोर्स आउटकम्स हैं। दीज आर द एट द एंड ऑफ द एबल टू अंडरस्टैंड दीज आर द कोर्स आउटकम्स। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन को हम फिनिश करेंगे, इसके बाद यूनिट वन के बाद सीधा बढ़ेंगे हम यूनिट थ्री के ऊपर, ठीक है। चूंकि ये आपका CO1 आपका इससे जुड़ा हुआ है और कोर्स आउटकम टू जो जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि लर्न अबाउट प्रोसेस थ्रेड्स एंड सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, तो इनकी बात जो आती है वो यहाँ पर आती है, ठीक है। तो प्रोसेस की कहानी जो है मेन चीज शेड्यूलर, सारी बात। थ्रेड्स की बात हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम जो जितना है अभी पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ, तो हम उससे भी आगे बढ़ते हैं यूनिट वन के पार्ट टू में। पहली बात यहाँ पर हमारे आती है प्रोसेस मैनेजमेंट की बात आती है, राइट। तो बात यहाँ पर आती है प्रोसेस मैनेजमेंट की। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट आ गया आपका फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला फंक्शन जो है यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस मैनेजमेंट आ गया। तो ये शेड्यूलिंग, ये प्रोसेस को शेड्यूल करना, मतलब कौन सा प्रोसेस कब आएगा क्या आएगा। थ्रेड्स की बात हम, ये दोनों बात हम यूनिट थ्री में देखेंगे, अभी हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट यूनिट पे देखेंगे। फिर यूजर और सिस्टम प्रोसेस जो होते हैं हमारे, उनको क्रिएट करना और डिलीट करना, ठीक है, वो चीजें। प्रोसेसेस का जो जो रिजम्पशन है उनको चालू करना, अगर अगर अटके हुए हैं पॉज्ड है तो उनको रिज्यूम करना या उनको सस्पेंड कर देना, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट एक तरीका है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ये एक फंक्शन है, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है प्रोसेस को मैनेज करना। फिर प्रोसेस के जो सिंक्रोनाइजेशन है, जैसे यहाँ पर देखिए प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कैसे अपने आसपास अपने करता है, तो प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है। ये दोनों जो प्रोसेस के, ये इनके लिए मैकेनिज्म, इनके लिए तरीके, इनके लिए सुझाव जो भी है वो अप्लाई करना, काम करना। नेक्स्ट मेरे पास आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया दूसरा, ये मेरा है पहला, ये मेरा हो गया दूसरा, राइट। तो मेमोरी मैनेजमेंट की जो बात यहाँ पर आ रही है, तो मेमोरी का मतलब यहाँ पर हो गया कि कौन से ऐसे प्रोसेस या डेटा है जो मेमोरी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन कर रहा है, मतलब, ठीक है। तो जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या लिखा हुआ है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ, ट्रैक रखना किनका, कि विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम, किसके द्वारा इस्तेमाल हो रहा है और कौन से पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं इसके अंदर कि भाई कौन से प्रोसेस और डेटा मूव हो रहे हैं इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, मेमोरी के अंदर बाहर कौन कौन से प्रोसेस डेटा हो रहे हैं और डेटा मूव हो रहे हैं। डिसाइड करना, मतलब डिसाइड करना कि कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर जाएगा, कौन किधर जाएगा, ये सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट एक फीचर है, एक फंक्शन है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एलोकेट डीएलोकेट करना मेमोरी को, ये सब इसके काम आते हैं। इवन 2.1 में जो बात कह रहा हूँ यहाँ पर आपको, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, राइट। तो 2.1 का मतलब हो गया कि ये सेकंड का जो पहला हिस्सा है, दैट इज डिस्क मैनेजमेंट, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो कौन कौन से हैं इसमें आपके, इसमें आपके पास फ्री स्पेस मैनेजमेंट हो गया, स्टोरेज एलोकेशन इन डिस्क हो गया और डिस्क शेड्यूलिंग, ये सारी बातें हम आगे यूनिट्स में देखेंगे। तीसरा हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा आ गया कि भाई फाइल्स को डिलीट करना, क्रिएट करना, उनके जो फोल्डर्स हैं मतलब डायरेक्टरीज हैं उनको डिलीट करना, क्रिएट करना। फिर उनके जो सपोर्टिंग प्रिमिटिव, उनके प्रिमिटिव्स हैं, मतलब के इसके के जो कि कह सकते हैं कि आप जो फाइल्स और डायरेक्टरीज जो बनी हैं उनके सेट क्या है, उनके पैरामीटर क्या है, उनको सपोर्ट करना। कि मान लीजिए अगर मैं फाइल, अगर मैं जेपीजी बनाना चाह रहा हूँ तो जेपीजी का एक सेट पैटर्न होगा, तो उसको प्रिमिटिव कहूंगा उस फाइल का मैं। और कोई डायरेक्टरी अगर बना रहा हो कि सपोज कर एक में से सॉफ्टवेयर मैंने exe फाइल डाल रखी थी, वो डायरेक्टरी एक प्रिमिटिव हो गया, तो उसको सपोर्ट कर रहा है ये ओएस, मुझे ये एक उसका फंक्शन, उसका काम है ये यूजर को फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेज करना, यूजर के लिए करना। फिर सेकेंडरी स्टोरेज में मैपिंग फाइल्स करना, बैकअप लेना, फिर
ये सारे काम आपके इसके अंदर होते हैं। फिर हमारे पास काम आता है चौथे जो मैनेजमेंट टेक्निक है, दैट इज योर आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है अलग प्रोसेस के द्वारा। फिर नेक्स्ट मेरे पास आता है, ये है पांचवा आता है मेरे पास नेटवर्क मैनेजमेंट आता है इसके अंदर। और छठा आता है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल सिंगल लाइन लिखी हुई है, तो इतना ही लिखना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स नाम की बुक है, गैल्विन ऑथर है, 7th एडिशन हमारे मेरे स्टूडेंट्स को मिली हुई है बुक बैंक के द्वारा। उसके पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक ऊपर आ रहा है। देखिए ऊपर आप मेरे चैनल का एनिमेशन के साथ में आप लिंक देख रहे हैं, लिंक linktr.ee linktree.com/seeforyourself। उसके ऊपर आप चारों लिंक्स आपको एक्सेस हो जाएंगे, उस एक लिंक से मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा ऐप एंड्रॉयड ऐप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज, ये चारों चीज़ें आपके उसमें एक्सेस हो जाएंगे। तो आप उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसको जाइए ज्वाइन करिए और इसमें मेरे नोट्स जो भी शेयर किए हुए हैं उसका आप पूरा लुत्फ उठाइए। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। सर्विसेज में हम क्या कहते हैं, पहला सर्विस वो देता है कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, दूसरी सर्विस कहता है मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है, सर्विस देता है हमको सुविधा देता है, और तीसरी सुविधा हमारे देता है कि आईओ डिवाइसेस को एक्सेस किया जा सके, चौथी देता है फाइल सिस्टम एक्सेस, फाइल सिस्टम मतलब फाइल मैनेजमेंट कर सके, उसको एक्सेस दिया जा सके ताकि मैं कोई फाइल को रीड करूँ, राइट कर सकूँ, ठीक है, किसी फाइल को सर्च कर सकूँ, किसी फोल्डर को सर्च कर सकूँ, या किसी फाइल या डायरेक्टरी या फोल्डर को मैं एक्सेस या डिनाई कर सकूँ परमिशन में, कि भाई इसको मैं सिर्फ अपने लिए रखूंगा, इसको और को इस्तेमाल ना करे, इसमें कोई चेंजेस ना करे, तो ये सब मैं कर सकता हूँ, इवन रनिंग प्रोग्राम जो भी है उसको मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो सुविधा प्रोवाइड करता है एरर डिटेक्शन और रिस्पॉन्स की, कि अगर कोई भी एरर अगर हार्डवेयर की तरफ से आती है तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, ओएस उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसको रिस्पॉन्स दे देता है कि हाँ भाई आपका ये एरर है, आपकी ये सुविधा, आपको ये जो जो भी तकलीफ हो रही है इसकी, इस मर्ज की दवा मेरे पास है, और वो कर लेता है। यूजर को भी बताता है कि देखिए आपका ये हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है, तो आप बताइए क्या किया जाए। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कम्युनिकेशन। तो आखिर जो ये हमारी, मैं कहूँ बताऊँ कि ये पहली सर्विस है, दूसरी सर्विस ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही और छठी ये रही। तो छठी सर्विस जो कह रही है कम्युनिकेशन, कह रही है कि भाई कई सारे ऐसे सिचुएशंस आती हैं हमारे पास, सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हमें एक प्रोसेस को एक्सचेंज करना होता है इन्फॉर्मेशन को अपनी किसी दूसरे प्रोसेस, तो इसमें हमारी बात, इसमें हमारे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात आ रही है, दो प्रोसेस के बीच में बातचीत हो रही है, या तो सेम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं या अलग अलग कंप्यूटर्स में भी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेस सिस्टम भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पहला कंपोनेंट हमारे पास सबसे पहले आता है हार्डवेयर, दूसरा आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, तीसरा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा आता है यूजर्स। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के चार कॉम्पोनेंट हैं। और ये कॉम्पोनेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पाया जाता है मेरा हार्डवेयर, इधर पाया जाता है सबसे नीचे, फिर ओएस बीच में आता है, किनके बीच में आता है ओएस, सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में आता है, राइट, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में आएगा, जैसे कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, डेटाबेस हो गया, इनको यूज करने वाले यूजर्स हो गए, राइट, ये यूजर्स हो गए। तो ये एक से लेकर एन तक यूजर्स हो गए और ये हमारे चारों कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर एक जॉब की बात पे आते हैं कि जॉब होता क्या है। तो हम कहते हैं कि जब हम कंबाइन करें किसको, प्रोग्राम इनपुट डेटा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ, तो उसे हम कहते हैं जॉब। तो प्रोग्राम इनपुट डेटा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, जॉब। जॉब कह दीजिए, इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हैं। इसको जॉब या प्रोसेस भी कहा जा सकता है। तो ये प्रोसेस की बात हम आगे अगले थर्ड यूनिट के अंदर हम देखेंगे। फिर हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रियल टाइम सिस्टम, जो काफी छोटा होता है मेमोरी साइज में, वेटिंग टाइम ज्यादा है, रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ सीपीयू। तो इस तरफ अगर अपन चलेंगे तो यहाँ मेरी सीपीयू की स्पीड डिक्रीज हो रही है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो रहा है,
आइडल टाइम जो है सीपीयू खाली बैठने का जो समय है वो बढ़ रहा है, मेमोरी साइज कम हो रही है, रियल टाइम की मेमोरी साइज सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद उसकी कम मल्टीटास्किंग की होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग, सिंपल बैच और सीरियल सिस्टम है। सीरियल सिस्टम में ओएस है ही नहीं, नो ओएस, ओएस है ही नहीं इसके अंदर। तो सीरियल सिस्टम क्या कह रहा है, ओएस इज नॉट नीडेड, तो यहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर से रन होता है, ठीक है। बैच सिस्टम क्या कहता है, जो हमारे बैच मीन का, बैच का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ जॉब्स विद सिमिलर नीड, जो जॉब्स है जो एक तरह का काम करते हैं उनको एक बैच बना दिया जाता है, और बैच के उनको जो ऑपरेटर जो है उन बैचेस को उन यूजर्स के द्वारा जो जॉब्स है उनको इकट्ठा करता है, उनका बैच बनाता है, पहला बैच तो ये बना, दूसरा बैच ये बना, ऐसे तीसरा बैच बनेगा और फिर उनको कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, ठीक है, फिर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। जिसके एडवांटेजेस कुछ है हमारे सामने यहाँ पर दिख रही हैं, और तीन डिसएडवांटेजेस भी दिख रही है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई टाइम की बचत करता है, कि भाई के कंपाइलर लोड करो वो सब करो उससे बचाता है, वक्त जो कि जो बर्बादी है उससे बचाता है। तो वक्त की बर्बादी से बचाएगा हमारे पास, फिर कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है यूजर के द्वारा, तो इसको मैं ऐसे यहाँ कर देता हूँ, आर कर देता हूँ, राइट। और डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आ गया लिमिटेड मेमोरी, इंटरेक्शन जो होगा आईओ का वो सीपीयू से डायरेक्ट होगा। क्यों ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि सीपीयू बहुत तेजी से काम करता है, इनपुट आउटपुट बहुत धीरे काम करता है, तो ये जो स्पीड का डिफरेंस है, आप ये सोचे कि भाई सीपीयू बहुत तेजी से बोल रहा है, बहुत तेज बात कर रहा है, उसके जो शब्द निकल रहे हैं बहुत तेजी से मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन जो इनपुट आउटपुट है वो रिसीव करने में बहुत धीरे है, वो सीपीयू से कहेगा आप धीरे बोलिए, तो ये स्पीड का डिफरेंस है। और यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पर आता है कि सीपीयू काफी टाइम तक तो खाली बैठता है, क्योंकि उसको आईओ का इंतजार करना पड़ता था, तो ये बैच सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। फिर हमारे पास आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसके कुछ हमारे एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। क्या मतलब है भाई, जो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में बैठ सकते हैं, जो कि रेडी हैं किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं, मतलब मोर देन वन प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट। ये स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस स्टेट्स की जो बात करेंगे थर्ड मिनट में करेंगे, कि कौन कौन से स्टेट्स होते प्रोसेस के रहने की, ठीक है। और अगर कोई सिस्टम सिस्टम में अगर कोई रनिंग प्रोसेस है, आईओ परफॉर्म कर रहा है या कोई और इवेंट कर रहा है, जिस जिस वक्त सीपीयू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विच डज नॉट रिक्वायर सीपीयू, तो खाली बैठे से के बजाय सीपीयू का करेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा, मतलब दूसरे प्रोसेस में स्विच हो जाएगा और दूसरे प्रोसेस अपना लेगा, कहते भाई चल तो आईओ पहले संभाले जब तक मैं दूसरे प्रोसेस को काम कर लूं। और ये हाँ था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फीचर है। इसके एडवांटेज क्या है भाई, सीपीयू कभी खाली नहीं बैठता, तो उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों ही कम है, कि कोई भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ा और सीपीयू को रिस्पॉन्ड करने में कोई ज्यादा वेट करना पड़ा, और ये यूजफुल है करंट सिनेरियो में जब लोड ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है, जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और मेन मेमोरी मैनेजमेंट उसके रिक्वायरमेंट है, और प्रॉब्लम क्या आ सकती है हमारी, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है, मेमोरी बढ़ सकती है मेरी, तो ये दिक्कतें आ सकती है इसके अंदर। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, इतना ही चर्चा है इस यूनिट वन के अंदर, ठीक है। यूनिट वन का पार्ट टू वीडियो बना रहा हूँ, तो इतनी ही चर्चा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग सिस्टम, और तो यहाँ पर मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पर फेयर शेयर सिस्टम भी इसको कहते हैं, या मल्टी प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, विद राउंड रॉबिन सिस्टम। यहाँ पे हर एक प्रोसेस को एक समय दिया गया, एक टाइम क्वांटम दिया गया है, टाइम क्वांटम मतलब एक फिक्स टाइम दिया गया कि आपको इतने समय में ही आपको अपना काम खत्म करना है, अगर आप इतने में नहीं कर पाए तो बाकी आप दूसरे काम संभाल लीजिए। तो इसमें स्विच जो सीपीयू जो स्विच इतने तेजी से करता है बाहर प्रोसेस के बीच में, प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री प्रोसेस फोर, इतनी तेजी से करता है कि हमें ये इल्यूजन हो जाता है, ये छलावा देता है कि भाई सारे प्रोसेस एक साथ रन हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर इतनी तेजी से स्विचिंग करता है
ये एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का, मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग का एक एक्सटेंशन जो आपने पिछले अभी ये वाला देखा हमने, इसी का एक्सटेंशन है, प्लस वन है हमारा। और काइली काफी मल्टीपल इंटरेक्टिव टास्क को ये परफॉर्म हैंडल कर सकता है। अगेन जो फायदे हैं सब फायदे वही हैं, नुकसान है वो ही नुकसान है, प्रोसेस शेड्यूलिंग डिफिकल्ट है, ठीक है। देखिए इसमें ये सेम चीज दे रखी है, देखो है ना, तो फायदे और नुकसान दोनों ही सेम रहे, तो हमने अगर इसमें थोड़ा राउंड रॉबिन सिस्टम लगा दिया तो इससे मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, जो मेरे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के एडवांटेजेस थे वो वही के वही रहे, डिसएडवांटेजेस कम नहीं हुए बल्कि उतने के उतने ही रहे, तो ये भी मेरे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है। फिर बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया मोटे मोटे तौर पे कि दो या दो से ज्यादा सीपीयू एक सिंगल कंप्यूटर में कम्युनिकेट कर रहे हैं हर एक एक दूसरे से, और शेयर कर रहे हैं सिस्टम बस मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस को, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। देखिए तो ये टाइप्स है इसके मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के, पहला टाइप हो गया एसिमेट्रिक, दूसरा टाइप हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। और एसिमेट्रिक का मतलब हो गया कि हर प्रोसेसर को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, एक मास्टर प्रोसेसर है जो कंट्रोल करेगा सिस्टम को, बाकी प्रोसेसर जो है मेरे उनको कहा जाएगा स्लेव प्रोसेसर्स। तो या तो वो मास्टर की तरफ देखेंगे, भाई आप हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए, या फिर कोई प्री डिफाइंड टास्क होगा उसको परफॉर्म करेगा, जैसे कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप इस सिस्टम में प्रचलित है। फिर दूसरी बात आती है हमारे पास सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक को मैं मार्क भी कर रखा है अलग से, मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम जिसमें हर प्रोसेसर जो होता है वो परफॉर्म करता है सभी टास्क को विद इन द ओएस, उस ओएस के अंतर्गत सारे टास्क परफॉर्म करता है। ये सारे प्रोसेसर से पीयर से सब बराबर है, कोई मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं है, नो मास्टर स्लेव एग्जिस्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्रोसेसर्स, कोई ना मास्टर है ना स्लेव है, सब बराबर है। ये हो गया सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम। तो अभी मैं ये इसको यहीं रोकता हूँ रिकॉर्डिंग को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को अंत तक यहाँ देखने के लिए धन्यवाद, मैं पार्ट 3 जरूर लेकर आऊंगा, और तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।